afternoon to all and welcome back to my channel Meera's Vlogs. मैं हूँ मीरा। हाँ, good afternoon इसीलिए है क्योंकि मैं afternoon अभी बजा है 3:30 afternoon का, तो मैं अभी इससे मेरे ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ, इसीलिए आप लोगों को गुड आफ्टरनून विश किया। आज संडे है और मेरी छुट्टी थी एज यूजुअल, बट मेरे हस्बैंड गए थे हाफ डे के लिए, लाइक 8 o'clock गए थे, अभी आए। उनको अभी मेरे को नाई बनाना है, ठीक है, उनका बाल कट करवाना है, तो इसीलिए उन्होंने बैठे हैं। तो मैं बोली मैं आप आने के बाद ब्लॉग स्टार्ट करने वाली थी, तो वो बोले तो फिर स्टार्ट कर दो। तो मैं लॉकडाउन के बाद से मैंने मेरे पति का नाई बन गई हूँ, ठीक है, बाल कट करना लॉकडाउन के बाद से मैं ही बाल कट करती हूँ। और कैसे करती हूँ पता नहीं है, कुछ भी करती हूँ तो ओके चलता है, ओके होता है। तो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ उनका बाल कट करना है कैसे करती हूँ पता नहीं है, मुझे डर लगता है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि उन्होंने जाते हैं बाहर कंपनी जाते, कुछ खराब वगैरह हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना, सभी लोग देखेंगे, इसीलिए थोड़ा डर रहता है। फिर भी थोड़ा थोड़ा कर देती हूँ, चलता है। अभी इस टाइम पे सैलून पे तो नहीं जाना चाहिए, कुछ भी हो जाए घर में ही करो, ट्रिमर से काम चला लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सैलून जाना कम कीजिए। मैं सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ घर में ट्रिमर से थोड़ा बहुत जितना होता है उतना कीजिए आप लोग, हेयर कट सेविंग्स वगैरह, तो सैलून नहीं जाना चाहिए। और लड़की लोगों को भी बोलती हूँ, जिन लोगों को नहीं गए तो पार्लर नहीं होता है वो लोग सिर्फ चलिए, जिन लोगों को चलता है जैसे मैं हूँ, देखिए मेरा आईब्रोस, ठीक है, अभी लॉकडाउन के पहले 15 डेज पहले मैंने की थी मेरा आईब्रोस, सिर्फ आईब्रोस ही करवाती हूँ मैं पार्लर में, ठीक है, तो मैंने गई नहीं हूँ, मैं ऐसे ही है मेरी, ठीक है, तो इसीलिए अवॉइड जितना करना है उतना अच्छा है, सैलून जाना पार्लर जाना जितना अवॉइड करना उतना अच्छा होता है। तो चलिए मैं मेरी हस्बैंड का हेयर कट करती हूँ, देखिए कट 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 कट। अब कुछ बताओ, मैं आपका नाई बनने वाली हूँ, अभी बाल कट करने वाली हूँ, कैसे काटती हूँ, दो बार काटी हूँ ना, कैसे लगा आपको? अच्छा काटे। कितना दिन बाद बाल कट करते हैं? एक मिनट। लॉकडाउन में मैं दो बार ही काटी हूँ ना आपका बाल, लास्ट में कुछ नहीं बोला, बीबी को ही नाई बना दिए, फ्री में हो जाता है ना, फ्री में। कोरोना से बचना है तो कुछ तो करना है। Thank you.
मिल्क है, कॉफी नहीं है। मैंने कॉफी बोलने वाली थी, थोड़ा हट के बैठ गया। तुमने ऑन ही करके गया था क्या? हाँ, दिखा दिखा रेकॉर्डिंग, थोड़ा अच्छे से दिखा। मैंने किया, मैंने किया। अब कुछ पीएंगे साथ में, क्या है आप लोगों को ये दिखाने में? हमारे उधर क्या बोलते हैं, छाना पीठा बोलते हैं, कोई कोई गांव में क्या बोलते हैं, गुलगुला बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है। और है पिंक, क्योंकि हम कॉफी नहीं पिएंगे, उन्होंने डिसाइड किए तो पिंक पिएंगे। एक ऐसे बनाई बताया मैंने, बाहर कुछ साउंड आ रहा है, आप लोगों को डिस्टर्ब हो रहा होगा, इसलिए मैं जोर जोर से बोल रही हूँ। ये मैंने आटा, सूजी, मैदा और चीनी और थोड़ा सा नमक लेके पानी में घीटा, उसके साथ थोड़ा सोप बोलते हैं उसको, सोप, थोड़ा सा सोप डाला और नारियल को थोड़ा छोटा 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 कट करके डाल के पानी से, ऐसे पूरा पतला नहीं, थोड़ा गट्टी गट्टी टाइप का मिक्स करके बंदे ऑयल से छक लेने का इसको, इसीलिए बंदे छाना पीना। कैसे लगे? अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। शाम को डिजिटल के लिए आप बना सकते हैं, बाद में आप लोगों को मैं रेसिपी शेयर करूंगी। शुगर कम डाली हो, ज्यादा मीठा नहीं है। अब लोगों को बताएंगे, बाल कट करने के बाद मैंने लेसन कर लिया, नहाया नहीं मैंने, लेसन करेंगे कि बाल छोटा छोटा गिरता है ना तो पूरा आकर हो जाएगा, इसलिए लेसन कर ली। इन्होंने पूरा नहा लिए, सुबह भी नहा के गए थे, फिर नहाना पड़ा बाल काटने के वजह से। मिल्क पीना हो गया हमारा। और अभी मैं जा रही हूँ पेड़ को पानी देने के लिए, वो जो टोमेटो और चिल्ली का पेड़ लगाई थी ना, वो बड़ा बड़ा हुआ है। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। इधर तो कुछ हो रहा है, बहुत साउंड आ रहा है, पता नहीं है इधर क्या हो रहा है। इधर देख, अभी इन्होंने इधर लैपटॉप ले लिए, कुछ काम करेंगे शायद, पता नहीं है। हमारे डिनर क्या होगा अभी तक डिसाइडेड नहीं है। डिनर जब टाइम होगा ना तब बोलेंगे क्या बनाएंगे आज, क्या बनाएंगे आज, ऐसे करके देखते हैं क्या बनाते हैं डिनर में। आप लोगों का कॉफी हो गया? हमारे कॉफी नहीं पी, आपने मिल्क पी है। क्या कर रहे हो? दूध पी रहा हूँ। चलिए देखते हैं डिनर में क्या बनाती हूँ, मिलते हैं। और जो लोग न्यू मेरा वीडियो देख रहे हो, मेरे चैनल को देख रहे हो, तो लोग प्लीज सब्सक्राइब कर दो और लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो, है ना? सही बोला ना, सब्सक्राइब लाइक शेयर। मैंने किचन में आ गई डिनर बनाने के लिए, बट हम आज ना उन्होंने आकर बाहर नहीं गए, थक गए हैं लग रहा है, उन्होंने सो गए, तो आज हम सिंपल सा वेज खाना खाएंगे। और सिंपल सा बोलो तो भात दाल और सोयाबीन साथ में है थोड़ा, और जो बनाऊंगी मैं ये है कद्दू बोलते हैं, बेंगोली में कुंडा बोलते हैं, कद्दू का भरता मैं बनाऊंगी, कद्दू और आलू पोटैटो का भरता मैं बनाऊंगी और दाल सोयाबीन। और ओके ओके ओए।
भरता का रेसिपी मेरी है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ठीक है? छोटा सा रेसिपी है बट अच्छा लगता है। लाल भात और भरता होता है तो और कुछ नहीं चाहिए होता है, इसीलिए मैंने आप लोगों को कद्दू और आलू का भरता का रेसिपी शेयर करूंगी। अभी कुकर में मेरा हो गया है, मैं दाल के साथ ना कद्दू और आलू को बॉइल होने के लिए दाल के साथ ही डाल दिया, तो वो बॉइल हो जाएगा अच्छे से। थोड़ा देर बाद इसको ओपन करके उसको आप लोगों के साथ। मेरी कुकर ठंडा हो गई है तो मैंने अभी आलू भी डाली है। दाल मैंने पानी बनाऊंगी, अभी रहने दीजिए इधर, ठीक है? मेरा बॉईल हुआ हुआ बाद में मैंने कढ़ाई डालूंगी, ज्यादा नहीं, थोड़ा गर्म होने के बाद थोड़ा सा जीरा, छोटा जीरा डालेंगे, जीरा को थोड़ा फ्राई कर लेना है अच्छे से। बाद में डालूंगी ग्रीन चिली, नमक चाहिए थोड़ा सा, हल्दी पाउडर थोड़ा सा, बाद में धनिया पाउडर थोड़ा सा, और थोड़ा गर्म मसाला, थोड़ा अच्छे से फ्राई हो जाने के बाद मुझे बोलेंगे जो बॉयल वाला खाना तो इसमें डाल डाल के अच्छे से स्मैश कर, कढ़ाई में स्मैश कर। ये मेरी गर्मा गर्म भरता बन के रेडी हो गया, कद्दू और आलू का भरता। बहुत आसानी से टेस्टी होता है खाने में, ऐसा कुछ घर में नहीं है कुछ नहीं, जल्दी जल्दी बनाने के लिए बहुत अच्छा होता है, खाने के लिए बहुत टेस्टी होता है। और बाहर बारिश आ गए हैं, बारिश का साउंड सुनाई दे रहा होगा आप लोगों को, बहुत जोर से बारिश आया, कभी भी कॉल जा सकता है, कुछ नहीं बोल सकते हैं। बाकी सभी खाना बनाऊंगी, खाना बना लेना पड़ेगा क्योंकि बाद में पावर चला गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। मैंने ना रूम का लाइट भी ऑन नहीं की थी, उन्होंने सो रहे करके, सो रहे उन्होंने, बहुत जोर से बारिश आया है। तभी मेरा ब्लॉग मैं यहाँ पे ये एंड करती हूँ, आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे सपोर्ट कर दीजिए। और तो फिर आज मेरा वीडियो इधर ही एंड करती हूँ मैं, अच्छे से रहिए, टेक केयर, सना एंड एडवांस गुड नाइट।